आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों अभी भी डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद यूनिवर्सिटी से एक बड़ी नोटिस निकल के आई है। आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करने वाले हैं। नोटिस के विषय पे बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नोटिस जो है आप लोगों के वार्षिक परीक्षाओं को लेकर के, बैक पेपर को लेकर, प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर के, बाकी सेमेस्टर के भी परीक्षाओं का आयोजन को लेकर के ये नोटिस है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई भी मिस्टेक ना करें कोई भी न्यूज़ को सुनने से। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के दोस्तों जिन लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रामलो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आए वो आप तक पहुंच सके। चलिए हम दिखाते हैं आपको आज की पूरी अपडेट न्यूज। जैसे कि आपको हेडलाइंस में यहाँ पे दिख रहा है, वो मुश्किल 90 दिन चल सकेंगे महाविद्यालयों में कक्षाएं। ये नोटिस जो है अपडेट ट्यूजडे 17 नवम्बर 2020 यानी कि 17 नवंबर 2020 का ये न्यूज है जो कि रात को 10 बजे ये आया था। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सुल्तानपुर अवध विश्वविद्यालय से समृद्ध महाविद्यालय में इस साल कक्षाएं बहुत मुश्किल 90 दिन ही चल सकेगी। यूनिवर्सिटी ने 1 दिसंबर से शिक्षण सत्र शुरू करने का निर्देश दिया है। यानी कि आप लोगों के जो है इस साल के कक्षाएं जो है बहुत मुश्किल 90 दिन ही चल सकेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है 1 दिसंबर से शिक्षण सत्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आगे बताया जा रहा है 25 अप्रैल 2021 से वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा। यानी कि 25 अप्रैल 2021 से आप लोगों के जो है वार्षिक परीक्षाएं के आयोजन होगा। इसी बीच जो है बैक पेपर परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं और बाकी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उन सभी का भी आयोजन होता रहेगा। 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच जो है कई अवकाश भी पड़ेंगे। आगे बताया जा रहा है कोरोना की वजह से डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर अस्त व्यस्त हो गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव उमानाथ सिंह ने शिक्षण सत्र 2020-21 का संशोधित शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। यानी कि अवध विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव उमानाथ सिंह है उन्होंने ही ने शिक्षण सत्र 2020-21 का जो है संशोधित शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें बताया जा रहा है कि इससे जो शिक्षण सत्र शुरू होने की जो तिथि है 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है। ऑनलाइन वार्षिक परीक्षाएं का जो आवेदन फॉर्म भरे जाने की तिथि है वो 2 जनवरी को निर्धारित किया गया है। यानी कि जो भी छात्र वो वार्षिक परीक्षाएं का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनकी जो तिथि है वो 2 जनवरी को निर्धारित किया गया है जबकि उसकी अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी तक रखी गई है। यानी कि 2 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक परीक्षा आवेदन फॉर्म वार्षिक परीक्षाओं वाले छात्रों का भरे जाएंगे। वार्षिक परीक्षा आवेदन फॉर्मों का सत्यापन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है। आगे बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय से समृद्ध महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होने की तिथि जो है 20 मार्च 2021 रखी गई है जो 20 अप्रैल 2021 तक चलेगी। यानी कि प्रायोगिक परीक्षाएं जो शुरू होगी वो 20 मार्च 2021 को रखी गई है और वो जो है 20 अप्रैल 2021 तक चलेगी। वार्षिक परीक्षाएं के शुरू होने की जो तिथि है 25 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। यानी कि जो भी वार्षिक परीक्षाएं के छात्र हैं वो 25 अप्रैल 2021 से निर्धारित की गई है उनकी परीक्षाओं को लेकर के। वार्षिक परीक्षाएं जो है 15 जून 2021 तक चलेगी। यानी कि 15 जून 2021 तक वार्षिक परीक्षाएं चलेगी। विषय सेमेस्टर की जो परीक्षा है 15 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल 2021 तक चलेगी। यानी कि विषय सेमेस्टर के जो एग्जाम है 15 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक चलेगी जबकि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है 15 से 25 जुलाई तक चलेगी। यानी कि 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक चलेगी। वहीं सत्र का अंत व अवार्षिक तथा सम सेमेस्टर की समस्त परीक्षा फल जो घोषित किए जाने की तिथि है वो 30 जुलाई को रखी गई है। यानी कि 30 जुलाई तक जो है अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं और सम सेमेस्टर इन सभी छात्रों का जो है परीक्षा फल घोषित की तिथि जारी किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय अयोध्या से अयोध्या ने बैक पेपर परीक्षा 15 से 30 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। बैक पेपर परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है 18 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे। यानी कि आज से लेकर के 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन जो फॉर्म का सत्यापन करने की अंतिम तिथि है वो 9 दिसंबर तक रखी गई है। वहीं जो है बैक पेपर की जो परीक्षा है वो 15 दिसंबर से शुरू होगी और वो 30 दिसंबर तक चलेगी। बैक पेपर के जो परीक्षा फल घोषित किए जाने की तिथि है वो 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। कमला नेहरू के जो भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान के जो प्राचार्य डॉक्टर राधेश्याम सिंह ने बताया कि यूजीसी के मानक अनुरूप 180 दिन की कक्षाएं के संचालन के बाद वार्षिक परीक्षाएं कराई जानी चाहिए।
लेकिन इस साल कोरोना की वजह से शैक्षिक कैलेंडर अस्त व्यस्त हो गया है। इस वजह से कक्षाएं चलाए जाना संभव नहीं है। यानी कि कमला नेहरू जो हैं भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान के संस्थान प्राचार्य डॉक्टर राधे श्याम सिंह ने बताया कि UGC के जो मानक अनुरूप 180 दिन की कक्षाएं का संचालन के बाद ही वार्षिक परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, लेकिन इस साल जो है कोरोना की वजह से शैक्षिक कैलेंडर अस्त व्यस्त हो गया है और इसी वजह से जो है कक्षाएं 180 दिन चलाए जाना संभव नहीं है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पूरी आपको अपडेट नोटिस बताई हूँ, जो भी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है मैं सारे नोटिस आज आपको बता दी हूँ इस वीडियो में। कब आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, कब आप लोगों के रिजल्ट निकलने वाले हैं, कब आप लोगों के फॉर्म फिलअप होंगे, कब आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा, सारे तिथि मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। तो जैसे ही बाकी कोई और भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आती है मैं आपको बताती रहूँगी। तो जिन लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आए वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।